हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस टिक्सी फ्रॉम मैजिक वेंसडेरो हिंदी उर्दू, और ये है आपके लिए नई रीडिंग। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी ये रीडिंग। सो फ्रेंड्स, आ गई आपके लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स एज मैजिक वेंसडेरो। पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट आवर वेबसाइट। ऑल्सो जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो जो कर रहा है उसे रख लो, बाकी को जान दो, टेंशन बिल्कुल मत लो। हाउ आर यू डूइंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? वक्त काफ़ी मुश्किल चल रहा है और आई नो आपको भी फील हो रहा होगा जो भी सब चल रहा है वर्ल्ड में, बट होपफुली वी विल गेट टू गुड टाइम्स एंड दैट्स अ श्योरिटी। अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, चीज़ें बेहतर हों और जल्दी हों और सुख और शांति बनी रहे सबके लिए, हमारे दिलों में, सभी के लिए, यू नो, फॉर एवरीबडी इन द वर्ल्ड। सो चलिए लेट्स सी। और मार्च की आपने रीडिंग्स देख ली क्या फ्रेंड्स? मार्च की हॉरोस्कोप रीडिंग्स, पिकर कार्ड रीडिंग्स आ चुकी हैं, लिंक्स टाइम स्टैम्प्स में है, हिंदी उर्दू में हॉरोस्कोप्स हो चुकी हैं, आप ज़रूर देख लेना। इंग्लिश में ऑलरेडी चल रही हैं, मेन चैनल पे लिंक्स टाइम स्टैम्प्स में है। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, लेट्स सी। How is our viewers person feeling? Let's see. What is the theme energy? What is the theme energy? Our viewers person, unki theme energy kya hai? What is the viewers person's theme energy? Oh wow, hanged man. So I feel definitely a person kafi restricted feel kar rahe hain. Also, agar ye, you know, agar aap, ho sakta hai, no contact mein ho, aapke saath kuch baat nahi kar rahe hain, kuch message nahi kar rahe hain. आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो है दे आर बिहेविंग अ लिटिल इमेच्योरली। ऑल्सो आई फील कि ये अभी भी आपको पसंद करते हैं, या यू नो न्यू कनेक्शन है तो दे लव यू, बट यू नो काफ़ी ऐसी एनर्जी में है ये पर्सन डेविल। या आई फील दिस पर्सन इज लाइक ये किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे इनका प्यार तो बहुत है आपके लिए, लेकिन उस कुछ और चैलेंजेस को ये ओवरकम करके आपके पास नहीं आ रहे। आई फील ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक एनर्जी में है राइट नाउ। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन आपको ऑब्सेसिवली मिस कर रहे हैं, प्यार करते हैं, प्रपोज भी करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट दिस पर्सन इज़ बिहेविंग रियली लाइक अ डेविल टू यू। वो आपने गाना भी सुना होगा, डेविल मेरा यार। सो आई डोंट नो, ये करंटली उस एनर्जी में जहाँ पे यू नो ये कंट्रोल कर रहे हैं इस सिचुएशन को। आई ऑल्सो फील कि ये नो कॉन्टैक्ट में है, आपसे काफ़ी लंबे समय से बात नहीं कर रहे हैं, या हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करते, द प्रॉब्लम इज़ कि दिस पर्सन इज़ लाइक उनका ईगो पूरा डोमिनेट कर रहा है, उन्हें पावर, उनको पावर, यू नो, मैं, और आई डू फील कि वो कुछ गलत डिसीजंस भी ले रहे हैं इन देयर लाइफ राइट नाउ, या ले चुके हैं इन द पास्ट। आई विल टेक अ क्लैरिफायर फॉर द डेविल। मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने अपनी जिद में या लस्ट के पीछे किसी और को चुन लिया है, या कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो कि, या नाइट ऑफ रॉड्स, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। आई डू फील फ्रेंड्स के मुझे ऐसा लग रहा है ये अपनी ज़िद के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि हो सकता है इन्होंने किसी और से, यू नो, अपनी ज़िद के पीछे सब कुछ करना चाह रहे हैं। ऑल दो इनका दिल कह रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे बात करें, सॉरी बोलें, आपको ठीक करें चीज़ें, बट दिस पर्सन इज़ लाइक नोप, मैं मेरे मन की करता हूँ। आई ऑल्सो फील अगर ये न्यू पर्सन है जो आपसे रिसेंटली मिले हैं, आपका कोई पास्ट कनेक्शन इनसे नहीं रहा है, या पास्ट में कुछ नहीं हुआ है, तो आई फील दिस पर्सन इज़ रियली ऑब्सेस्ड अबाउट यू, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपको लेके। दे डू फील यू नो काफ़ी ऑब्सेसिव एनर्जी आपके लिए, प्यार, मोहब्बत, द एम्परर, या अगेन कंट्रोल की एनर्जी। आई फील ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपको, बट दे आर लाइक, मैं क्यों बोलूँ आगे जाके, मैं क्यों, मैं मेरी पावर में रहूँगा, सामने वाला झुकता हो तो झुके। आई मीन दैट्स अ रियली बैड वे ऑफ थिंकिंग एक्चुअली, ये सही तरीका नहीं है, एंड आई फील दैट्स रियली गोइंग टू अफेक्ट। आई थिंक ये पर्सन इस एनर्जी में है राइट नाउ और इट्स रियली अफेक्टिंग देयर हेल्थ।
सिक्स ऑफ कप्स या ये पर्सन आपको सोलमेट मानते हैं, एब्सोल्यूटली आई डू फील कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं, बहुत आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करते हैं, देखते रहते हैं आपकी स्टोरीज़ वगैरह को, लेकिन आई फील लाइक दे आर नॉट मेकिंग अ मूव राइट नाउ, दे वॉन्ट टू, उनका मन है आपसे बात करने का, लेकिन मन की तो फिलहाल कोई भी नहीं सुन रहा है। ये क्या दुनिया में कोई भी नहीं सुन रहा है तो मन का क्या करें। आई कीप गेटिंग दैट सॉन्ग लागी तुमसे मन की लगन, सो आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट द लवर्स। या आई फील ये पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, दे डू फील अ लॉट ऑफ लस्ट एंड सेक्शुअल केमिस्ट्री एंड अट्रैक्शन आपकी तरफ, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टीज़ हैं फ्रेंड्स। आई फील अपनी ज़िद की वजह से या तो ये किसी और से शादी कर रहे हैं या अपनी ज़िद की वजह से यू नो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, किसी और लोगों से बात कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू नो आपको जलाना चाहते हैं, यू नो अपनी ज़िद, जेलेसी, इट्स लाइक दिस पर्सन इज़ लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स, या दे वॉन्ट टू बी दिस डिपेंडेबल पर्सन आपके लिए। आई ऑल्सो फील के ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैसा और इन सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, मनी है, मटेरियल चीज़ें हैं, रिलीजन, कल्चर, फैमिली, दिखावा, इन सब पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं राइट नाउ। आई थिंक पहले जो हमने रीडिंग की थी उसमें इनका उनसे इस पर्सन में काफ़ी चेंज आया है, बिकॉज अगेन ये अपनी इगोइस्टिक एनर्जी में चले गए हैं। एंड आई डू फील कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू शो कि दे वैल्यू यू, ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं लगता है ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करते, इन्होंने आपका रिस्पेक्ट नहीं करा, इज्जत नहीं है, प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं था, बट आई थिंक दे रियली वैल्यू यू, दे रिस्पेक्ट यू एंड दे डू एक्चुअली लव यू ऑल्सो द मैजिशियन। या आई फील ये पर्सन आपको पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं मैनिफेस्ट करने की वापस, बट यू नो समवेयर दे आर लाइक सो इगोस्टिक, दे डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। आई ऑल्सो फील के ये चाहते हैं कि आप खुद आके इनसे बात कर लो, यू नो ये कोशिश मैनिफेस्ट ये कर रहे हैं कि आप इनसे बात करो, क्योंकि इनका ईगो बीच में आ रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्स, या आई डू फील ये पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, आपको शेयर भी नहीं करना चाहते किसी के साथ, अगर और आपको यू नो आगे होके बढ़ के प्यार भी मतलब बोलना नहीं चाह रहे हैं अपना। सो दिस पर्सन इज़ लाइक आई एम पोजेसिव अबाउट यू, आई एम क्रेजी अबाउट यू, मैं किसी और से तुम्हें बात नहीं करने दूंगा, लेकिन मैं खुद भी तुमसे बात नहीं करूँगा। बहुत यहाँ खिचड़ी है जो बन रही है। ओह गॉड, आई डोंट नो क्या चल रहा है। पेज ऑफ रॉज, अगेन अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल केमिस्ट्री है। आई फील ये फायर एनर्जी में चले गए हैं फ्रेंड्स, एग्रेसिव एनर्जी में चले गए हैं। आई फील थर्ड पार्टीज हैं इस कनेक्शन में, एरीज, लियो, सैज हो सकता है कोई पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, काफ़ी सारे लोग आप और आपके पार्टनर के बीच में हैं। सेवन ऑफ कप्स, चॉइसेस, यस आई डू फील अगर इस पर्सन ने शादी की है दे रिग्रेटेड, दे आर नॉट श्योर, उन्होंने सही डिसीजन लिया, उन्होंने शायद जिद में लिया है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा करने के लिए किया है, लेकिन आई फील दे रियली, और उस डिसीजन के बाद से वो आपको और मिस करने लग गए हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर इस पर्सन आप दोनों के बीच में कुछ ब्लॉक्स हैं फ्रेंड्स, तो अभी तक वो ब्लॉक्स ओवरकम नहीं कर पाए हैं आपके पर्सन, आई एम रियली सॉरी टू से। आई डू फील के ये अपने ईगो के वश में है फिलहाल तो, और कुछ हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, और यू नो ये एक अलग ही उसमें हैं जहाँ इनको अपने ना तो क्लियरली समझ आ रहा है क्या करना है, ना दिखाई दे रहा है। आई फील आप एक वो पर्सन थे जो इस पर्सन की लाइफ में क्लैरिटी थे, एक मिरर की तरह, यू नो लाइक बी गुड, बी नाइस, बी काइंड, यू वर द बेस्ट थिंग इस पर्सन की लाइफ में, बट नाउ दे आर लाइक अब क्या करें, अब ये बिल्कुल एकदम उलट पुलट हो गया है सब इनकी लाइफ में। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी पर्सन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आई फील ये पर्सन आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेट्स सी व्हाट दे वांट टू कम्युनिकेट टू यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेरा इंतज़ार करो, सही वक्त आएगा, हम फिर मिलेंगे, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्रेक थ्रू, या दे आर वेटिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू। आई ऑल्सो फील अगर ये पर्सन मैरिड है तो दे आर वेटिंग फॉर अ डाइवोर्स और सम सॉर्ट ऑफ यू नो कि कहीं से टाइम मिल जाए या कहीं से कोई ऑप्शन मिल जाए आप लोगों से बात करने का, कोई तरीका मिल जाए आपके साथ वापस कनेक्ट करने का, तो वो उसके पे कोशिश कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील के अगर वर्क इश्यूज़ हैं तो ये पर्सन कोई नए प्रोजेक्ट वगैरह का वेट कर रहे हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपकी सिटी में मूव करने की सोच रहे हैं आसपास, जिससे रिश्ते में थोड़ी और गहराई और प्यार मोहब्बत बढ़े। व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद दिस पर्सन? कन्फ्यूजन, बिल्कुल कन्फ्यूजन। ये आप देख रहे हो आपके पर्सन को यहाँ पे भी उनका हायर सेल्फ, उनकी दिल जो है उनसे कुछ कह रही है, लेकिन वो जो है एक भंवर में है।
Oh God, bless this person, friends. They are not feeling well. जॉय, या आई डू फील कि ये पर्सन, आप इनकी लाइफ में एक जॉय की तरह हो फ्रेंड्स. ये पर्सन आपको खुशी देना चाहते हैं, ऑल्सो वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो ज़िद उनकी लाइफ में सब कुछ उनकी मर्ज़ी का हो रहा है, लेकिन खुशी नहीं है उनकी लाइफ में. विक्टिम, या दिस पर्सन इज़ लाइक, मेरी कोई गलती नहीं थी, सब गलती तुम्हारी है, और मैं तो यू नो, मेरी तो, मैं तो मजबूर हूँ, और एंड ऑल दोस का. आई थिंक दिस पर्सन इज़ फीलिंग अ लिटिल टू सेल्फिश राइट नाउ फ्रेंड्स. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट परसेप्शन, या आई डू फील के ये उनके देखने का नज़रिया, ऐसा नहीं है कि ये इंसान बुरे हैं, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट दैट के वो अभी ईगो एनर्जी में है, जहाँ पे यू नो, कई बार होता है कि जैसे हमने कोई स्पेक्स पहन लिए, गॉगल्स लगा लिए, और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा होता है. तो ऐसी एनर्जी से गुजर रहे हैं जहाँ पे वो, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ईगोइस्टिक बिहेव कर रहे हैं. सेल्फ वर्थ, या आई डू फील कि ये पर्सन आपको प्रूव कराना चाहते हैं कि वो ना आपके बिना खुश रह सकते हैं, या वो ये मानते हैं कि यू नो, समवेयर दे कांट एवर बी द राइट पर्सन फॉर यू और समथिंग लाइक दैट. वो वर्दी नहीं है उनको, यू नो, अगर ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं, द रीज़न इज़ उनको ना फ्रेंड्स इतना वो, मतलब उनको विश्वास नहीं है, लाइक दे फील दे डोंट डिज़र्व एनी काइंड ऑफ गुड थिंग्स. तो सेल्फ वर्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं. आप जो इनोसेंटली उन्हें प्यार कर रहे हो, दिस पर्सन इज़ लाइक, मैं तो डिज़र्व ही नहीं करता हूँ. दैट्स वाई ये पर्सन ना बहुत सारी रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं, या यू नो, सारा दिन पैसा पैसा करते रहते हैं, काम पे फोकस कर रहे हैं ऑब्सेसिवली. सो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू दीज इशूज़. न्यू, आई फील अगर इन्होंने शादी करी है तो वहाँ खुश नहीं है ये. न्यू लाइफ इन रिवर्स आया है. मैसेज इन अ बॉटल, या आई फील ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं. 15 इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो या तो नेक्स्ट 15 घंटे या नेक्स्ट 15 दिनों में ये आपसे बात करेंगे. 12 चेंज इन द विंड, या आई फील ये वक्त बदलने का वेट कर रहे हैं, बिकॉज आई फील इनको भी पता है कि अभी तो ये जिस एनर्जी में है ना, वहाँ तो ये किसी से भी बात नहीं कर पाएंगे. मेंडिंग, या दे डेफिनेटली वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर विद यू. काफ़ी आई थिंक जब वापस यंग, एग्जैक्टली मैं आपसे यही कह रही थी, बिल्कुल मेल डोमिनेटिंग एनर्जी में है. मैन और अ वुमेन यांग एरीज वाली एनर्जी में है, और आपको पता ही होगा कि हम अभी एरीज में जा रहे हैं, एरीज सीजन में. ओह गॉड, अभी पाइसिस चल रहा है, 20 तारीख से एरीज शुरू हो जाएगा, सन इन एरीज होगा. तो आई थिंक और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे वो आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में. ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके. आई ऑल्सो फील के अगर ये पर्सन आपसे बात करते हैं नेक्स्ट 15 दिन या नेक्स्ट 15 घंटों में, मुझे लग रहा है 15 घंटे 15 दिन में ये बात करेंगे, पर आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. हो सकता है आपको गुस्सा आ जाए इनकी किसी बात पे, बिकॉज़ आई फील आप दोनों ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाली एनर्जी में हो राइट नाउ. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, एंड लेट्स सी एनीथिंग एल्स जो आपको ध्यान रखना चाहिए इस रिलेशनशिप को लेके. प्रोटेक्शन, यू आर वेरी वेरी प्रोटेक्टेड फ्रेंड्स. आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हो रहा है इस रिलेशनशिप में या आपकी लव लाइफ में, यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड. ट्रुथ, द ट्रुथ विल कम आउट फ्रेंड्स. अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट करा है तो वो जल्दी अपनी गलतियों को समझ पाएंगे. ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही इस इगोइस्टिक एनर्जी में रहने वाले, जहाँ उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा अपनी गलती. वो परसेप्शन चेंज होगा इस पर्सन का. ओपननेस, आई फील आपको ओपन रहना चाहिए. देर इज़ अ चांस ये पर्सन आपको अपोलोजाइज करेंगे आने वाले दिन में. हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में. आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू के दिस इज़ अ टाइम आपके लिए टू स्टे हैप्पी एंड नॉट वरी टू मच, टेकिंग सम रिस्क. या अगर आप किसी नए पर्सन से कोशिश कर रहे हो रिश्ता की या कुछ, तो वो भी अच्छा रहेगा. टू फोकस ऑन अ न्यू पर्सन राइट नाउ आपके लिए, इट्स अ गुड थिंग. लेट्स सी एनी एडवाइस इन दिस सिचुएशन. होल्ड योर विजन, या आई डू फील अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है तो डेफिनेटली आपकी, आप दोनों की मुलाकात दोबारा होगी, मेंडिंग होगी, हीलिंग होगी इस कनेक्शन में. आई डू फील के आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ये वक्त कमज़ोर होने का नहीं है आपके लिए. प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. येस, आई डू फील के एक और चीज़ आप लोगों को करनी चाहिए, वो ये है कि आपके लिए बहुत सारा करियर सक्सेस आ रहा है आगे चल के. तो आपको अपने करियर पे, अपनी लाइफ में जो लक है उस पर फोकस करना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी वेरी प्रॉस्परस. योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. या आई डू फील के इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल तो है, बस थोड़ा सा यू नो, सही जगह उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है. अ पर्सनल इशू विल रीच कंक्लूजन. यस, इस इशू में हीलिंग होगी फ्रेंड्स. ऐसा नहीं है कि यू नो,
आप दोनों दोबारा बात नहीं करोगे, ऐसा कुछ है। हीलिंग होगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा बिकॉज जो सन इन एरीज चलेगा, अभी सन इन पाइसीज है, तो यू नो ये पर्सन काफ़ी इमोशनल है आपके लिए। आई डू सी के नेक्स्ट 15 दिन या 15 घंटे, एक्चुअली 15 घंटे 15 दिन में ये मैसेज करेंगे। सो एनी अदर फाइनल सेल्फ केयर मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए? नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। आई डू फील कि आप इस पर्सन को काफ़ी मिस कर रहे हो जो इनके साथ अच्छे दिन बिताए हैं। 333 इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, यू डू मिस दिस पर्सन अ लॉट, वो भी आपको मिस कर रहे हैं, बट फोकस ऑन द प्रेजेंट, ग्रे एंडिंग्स आर इनएविटेबल। या आई डू फील ये वक्त थोड़ा आप दोनों अगर दूर रहें खुद से या अपने पे फोकस करें तो वो अच्छा रहेगा, आपकी रिलेशनशिप को आने वाले टाइम में और इम्प्रूव करेगा। सो डोंट वरी, यू नो डोंट वरी। आई एम सॉरी अगर आप मतलब ये रीडिंग इसमें कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि आई डू सी के थोड़े से आपके पर्सन जिद में हैं, बट आई थिंक कई बार दूरियों से ही प्यार बढ़ता है, सो डोंट वरी। फ्लाई अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन, या आई फील आपके पर्सन डिप्रेशन से या इल हेल्थ से गुजर रहे हैं, आपको हो सकता है ना पता हो, उन्हें भी हो सकता है ना पता हो अपने हेल्थ इश्यूज़। इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स, यू शुड ऑलवेज गेट रीडिंग्स, ऑलवेज ऑलवेज गेट रीडिंग्स फ्रेंड्स, स्पेशली फ्रॉम अ गुड साइकिक और अ गुड रीडर, बिकॉज समटाइम्स दे कैन टेल यू थिंग्स विच हमें भी नहीं पता होती। जैसे आई टेल यू, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पर्सनल रीडिंग्स करवाई थी और थैंकफुली वो लोग अभी सेफ सिचुएशंस में हैं। सो यू नो अबाउट द वर्ल्ड सिचुएशन जो चल रही है, सो God bless everybody. So yeah. So let's see. Psychic ability, yeah. I feel आप दोनों में psychic connection बढ़ने वाला है, that's for sure. You'll be playing a different role. Yeah, I do feel आप दोनों का connection तो बना रहेगा strong का strong, और बढ़ते ही जाएगी strength और connection जो intensity है। बस ये है कि हो सकता है आप लोग दोस्त हो जाओ या थोड़े time के लिए आप no contact में रहो, but I think eventually हो सकता है आप लोग इनसे शादी करो। फ्लावर्स, या आई डू फील ये पर्सन आपको गिफ्ट देने वाले आने वाले दिनों में। फ्लैग, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर, या आई डोंट, आई फील आप लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेशन है, आप चाहते हो इस पर्सन को कुछ कहना, मैसेज करना, आप चाहते हो इनकी तरफ जाना। एंड वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस, आई फील आपको भी अपने काम पे फोकस करना चाहिए फिलहाल। जग, लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, या इन्जॉय योर लाइफ फ्रेंड्स, डोंट वेट अराउंड फॉर एनीबडी। विशेज ग्रांटेड, आपकी विशेज ज़रूर पूरी होंगी। A distant friend is thinking about you, so ये person काफ़ी आपको सोच रहे हैं। Protection from a powerful friend, yes, ये person आपके protector भी हैं एक तरीके से। They don't want to hurt you, harm you, they are like मैं protect करूँ आपको। A long journey, either physical will leave you wiser at the end, I think इस relationship से आपने काफ़ी कुछ सीखा है। Successfully overcome, आप दोनों के बीच में ये जो तनाव है, दूरियाँ हैं, ये कम होंगी और luck जो है आपके साथ है। अपॉर्चुनिटी आएगी कनेक्ट करने की। कैरेट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ पैशन एंड वॉट यू से न्यूट्रीशन, यू नो हीलिंग, केयर आएगी इस कनेक्शन में। फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन, आई फील आपके पर्सन को लगता है आपके बड़े फैंस हैं दुनिया में, यू नो लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, तो ये पर्सन काफ़ी जेलस हैं आपसे। चेन, या आई फील आने वाले दिनों में कुछ सीरीज के अंदर इवेंट्स होंगे जो आप दोनों को वापस मिलाएंगे। न्यूज़ इज़ ऑन द वे, सो आने वाले दिनों में ज़रूर मैसेज आ रहा है कुछ घंटों में। ब्रोकन ब्रिज, या ये पर्सन क्यों चले गए वो आपको बताएंगे। अप्रैल इम्पॉर्टेंट है, सीरियसली फ्रेंड्स मैं आपसे यही कह रही थी, अप्रैल इम्पॉर्टेंट है। चेंज इज़ कमिंग फॉर द बेटर एंड फेयर पर्सन या लाइट कलर्ड या यू नो कोई वुमेन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो अभी के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, एंड मैजिक वेंसडे रो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। पर्सनल रीडिंग लिए फ्रेंड्स विजिट आवर वेबसाइट, और अभी के लिए तो इतना ही। और अभी मैं सोल्ड आउट हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ रियली सीरियसली आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से सोई नहीं हूँ बिकॉज बैक टू बैक मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, और इट बिकम्स लिटरली टाइम इतनी जल्दी चला जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। So yeah, so thank you for the love and support. Stay safe, stay well, and stay positive. Bye for now.